फ्लेक्स मशीन में जब भी हम हेड क्लीन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि मैनुअली हम हेड क्लीन करते हैं। जब भी हमारे प्रिंटिंग के टाइम कलर रुकता है या फिर हम चलाने से पहले क्या करते हैं कि हेड क्लीन करते हैं, तो हम फ्लेक्स मशीन में मैनुअली हेड क्लीन करना पड़ता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। फ्लेक्स मशीन से रिलेटेड मैंने अपने इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है। यदि अभी तक आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए, क्योंकि फ्लेक्स मशीन से रिलेटेड मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से बताया है और समझाया है, जिनको देखकर आप आसानी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ्लेक्स मशीन और विनाइल मशीन में क्या डिफरेंस है। वैसे देखा जाए तो छोटे मोटे डिफरेंस बहुत सारे हैं, और यदि मैं एक एक चीज़ को बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको कुछ खास डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम फ्लेक्स मशीन की साइज की बात कर लेते हैं। तो जो फ्लेक्स मशीन का साइज होता है वो 10 फुट का होता है, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि उस पर हम 10 फुट तक का प्रिंट चलाते हैं। उससे बड़ा भी चलाते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ा चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो फाइल है उसको हमें पार्ट ए एंड पार्ट बी में क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट चलाते हैं, और जब हमारा प्रिंट हो जाता है तो उसको हम बाद में क्या करते हैं कि ज्वाइंट कर देते हैं। और अब हम विनाइल की यदि बात करें, विनाइल मशीन की, तो विनाइल मशीन का जो साइज होता है वो 5 फुट का होता है, या यूँ कह लीजिए कि 5 फुट तक हम उस पर प्रिंट चलाते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं चला सकते हैं। यदि आप उससे बड़ा का चलाना चाहते हैं तो सेम वैसे जैसे हमने फ्लेक्स में किया था वैसे हमें विनाइल में भी करना पड़ेगा कि उस फाइल को पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जब हमारा प्रिंट हो जाएगा तो बाद में उसको ज्वाइंट करना पड़ेगा। फ्लेक्स मशीन में जब भी हम हेड क्लीन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि मैनुअली हम हेड क्लीन करते हैं। जब भी हमारे प्रिंटिंग के टाइम कलर रुकता है या फिर हम चलाने से पहले क्या करते हैं कि हेड क्लीन करते हैं, तो हम फ्लेक्स मशीन में मैनुअली हेड क्लीन करना पड़ता है। लेकिन वहीं यदि हम विनाइल मशीन की बात करें तो विनाइल मशीन में हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है हेड क्लीन होता है, उसको हम मैनुअली क्लीन नहीं करते हैं। बस हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पर बटन दिया होता है, हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ से क्लीन करना पड़ता है। आप चाहे हैवी पे करो, चाहे लाइट पे, चाहे मीडियम, आप जैसा क्लीनिंग करना चाहते हो वैसा आप एक बार मशीन में सेट कर दो तो वो आपका ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है। और फ्लेक्स मशीन में हमें मैनुअली करना पड़ता है, और विनाइल मशीन में हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यदि हम फ्लेक्स मशीन की बात करें, जब भी हम फ्लेक्स मशीन में अपना प्रिंट करते हैं और जब हमारा प्रिंटिंग धीरे धीरे नीचे आता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि मतलब खुद से ही फोल्ड करना पड़ता है, या फिर आगे करना पड़ता है, या फिर रोल करना पड़ता है। लेकिन यदि वहीं हम विनाइल मशीन की बात करें तो विनाइल मशीन में जो है एक बार हमें सिर्फ उसमें फंसा देना पड़ता है जहाँ पे हमारा रोल होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक बार से टेप लगा के फंसा देते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक रोल करता जाता है या फिर फोल्ड करता जाता है, उसको हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता। लेकिन फ्लेक्स मशीन में हमें मैनुअली करना पड़ता है, और विनाइल मशीन में वो ऑटोमेटिक रोल हो जाता है। देखा गया है कि फ्लेक्स मशीन पर जो है हम विनाइल प्रिंट ज़्यादातर करते हैं, लेकिन हम विनाइल मशीन पर जो है फ्लेक्स प्रिंट नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है, आप कहीं भी जाओगे तो आपको सुनने के लिए मिलेगा, या फिर देखते भी हो कि फ्लेक्स मशीन पे जो है हम विनाइल प्रिंटिंग तो कर लेते हैं बट हम विनाइल मशीन पे फ्लेक्स मशीन नहीं चलाते हैं, क्योंकि विनाइल मशीन पे जो हम सिर्फ 5 फुट तक का मीडिया लगा सकते हैं और हम फ्लेक्स मशीन पे 10 फुट तक का भी लगा सकते हैं। तो यदि मान लीजिए कि हम 8 फुट का चलाना चाहेंगे फ्लेक्स, तो विनाइल मशीन पे तो नहीं चला पाएंगे, बट वही हम यदि 4 फुट, 3 फुट या 5 फुट तक का विनाइल निकालना चाहते हैं फ्लेक्स मशीन पे, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। वैसे तो आप फ्लेक्स भी निकाल सकते हो 3 फुट 4 फुट का विनाइल मशीन पे, बट वो फिर आपको सेटिंग से कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो फ्लेक्स मशीन की यदि हम बात करें तो जब भी हम अपना हेड क्लीनिंग करते हैं तो वो जो हमारा वेस्टेज इंक होता है वो वेस्टेज बोतल में जाता है, और जब हमारा वेस्टेज बोतल भर जाता है तो उसको हमें मैनुअली देखना पड़ता है, पूरा ध्यान देना पड़ता है कि कहीं हमारा बोतल भर तो नहीं गया। और यदि आपका वेस्टेज बोतल भर जाता है तो वो यदि आप उसको चेंज नहीं करते हो तो फिर आपके बोतल से वो वेस्टेज इंक बाहर निकल जाता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि गिर जाता है। और यदि वहीं पर हम विनाइल मशीन की बात करें तो विनाइल मशीन में जब आपका वेस्टेज इंक का बोतल भर जाता है तो वो मशीन आपको इंडिकेट कर देगा कि भाई आपका जो वेस्टेज इंक का बोतल है वो भर चुका है। तो कहने की बात ये है कि फ्लेक्स मशीन में आपको वेस्टेज इंक को देखते रहना पड़ेगा कि आपका इंक का बोतल भरा है या नहीं भरा है, और विनाइल मशीन में आपको कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, क्योंकि आपका जो विनाइल मशीन है वो आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका जो वेस्टेज इंक का बोतल है वो भर चुका है, आप उसको चेंज कर लीजिए। तो जब भी हम अपना फ्लेक्स मशीन पे प्रिंट करते हैं और जब हमारा प्रिंट धीरे धीरे नीचे आता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि मैनुअली फैन ड्राइंग्स फैन चलाना पड़ता है, जिससे हमारा प्रिंटिंग जल्दी सूख जाए। और वही जब हम अपना विनाइल पे प्रिंटिंग करते हैं तो विनाइल पे क्या होता है कि वो सेंस कर लेता है, और जब आपका प्रिंटिंग फैन के सामने आता है तो वो ऑटोमेटिक फैन चालू हो जाता है, या कई बार नहीं भी होता है तो उसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। लेकिन वो हमारा सेंसर जो होता है ना, वो सेंसर से जब भी हमारा प्रिंट फैन के सामने आता है तो वो विनाइल मशीन में जो है वो फैन ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। और वहीं यदि हमारा फ्लेक्स मशीन का देखा जाए तो फ्लेक्स मशीन में हमें मैनुअली चालू करना पड़ता है। अब हम अगला डिफरेंट जान लेते हैं।
फ्लैक्स मशीन में रोल लगाने के लिए हर हमेशा दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, क्योंकि उस पर हम भरे भरे रोल लगाते हैं या फिर मीडिया लगाते हैं, जैसे 10 फुट हो गया, 8 फुट हो गया, तो वो अकेले आदमी से तो रोल लग नहीं सकता है। तो इसलिए हर हमेशा हम जब भी फ्लैक्स मशीन में मीडिया को फिट करते हैं तो दो आदमी की जरूरत पड़ती है। और यदि वहीं पर हम विनाइल मशीन की बात कर ले तो विनाइल मशीन में सिंगल पर्सन भी मीडिया को फिट कर सकता है और अकेले वो मतलब मीडिया लगा भी सकता है और आराम से प्रिंटिंग भी कर सकता है, जबकि फ्लैक्स मशीन में उसको दो व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है मीडिया लगाने के लिए। अब हम दोनों मशीन के इंक के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम फ्लैक्स मशीन का इंक विनाइल मशीन में यूज़ कर सकते हैं और विनाइल मशीन का इंक हम फ्लैक्स मशीन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो इंक है वो अलग अलग होता है और दोनों का अलग अलग यूज़ भी होता है। तो इसलिए हम फ्लैक्स मशीन का इंक विनाइल मशीन में यूज़ नहीं कर सकते हैं और विनाइल मशीन का इंक हम फ्लैक्स मशीन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का इंक अलग अलग आता है और दोनों का यूज़ भी हम अलग अलग तरीके से करते हैं। विनाइल मशीन का जो इंक होता है वो थोड़ा महंगा आता है और फ्लैक्स मशीन का जो इंक होता है वो थोड़ा सस्ते में आता है, मतलब विनाइल से थोड़ा सस्ते, जो विनाइल में इंक हम यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सस्ते में जो है हमारा फ्लैक्स मशीन का इंक आता है। अब हम सबसे लास्ट डिफरेंट जान लेते हैं दोनों मशीन को चलाने की। तो देखो, चलाने की बात यदि हम करें तो जैसे हम फ्लैक्स मशीन को चलाते हैं सेम वैसे हम विनाइल मशीन को भी चलाते हैं, बस कुछ कुछ बातें ऐसी है जो कि डिफरेंट है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको विनाइल मशीन चलाना सिखाया था, तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर में आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे जाके आप फ्लैक्स मशीन को चलाना और विनाइल मशीन को चलाना दोनों वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं। किसी एक मशीन को आप यदि चलाना सीख जाते हो तो दूसरा मशीन आप ऑटोमेटिक चलाना सीख जाओगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, थोड़ा बहुत है जो कि आप इजली सीख जाओगे। तो मैंने आपको जो भी डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया, वैसे छोटे मोटे डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, यदि मैं एक एक डिफरेंस को बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए जो खास डिफरेंट था मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।